इस समय देश में धर्म की धूम है, उत्पात किए जाते हैं तो धर्म और ईमान के नाम पर, और जिद की जाती है तो धर्म और ईमान के नाम पर। रमुआ पासी और बुद्धू मियां धर्म और ईमान को जाने या न जाने, परंतु उसके नाम पर उबल पड़ते हैं और जान लेने और जान देने के लिए तैयार हो जाते हैं। देश के सभी शहरों का यही हाल है। उबल पड़ने वाले साधारण आदमी का इसमें केवल इतना ही दोष है कि वह कुछ भी नहीं समझता बूझता, और दूसरे लोग उसे जिधर जोत देते हैं उधर जुत जाता है। यथार्थ दोष है कुछ चलते पुरजे पढ़े लिखे लोगों का, जो मूर्ख लोगों की शक्तियों और उत्साह का दुरुपयोग इसलिए कर रहे हैं कि इस प्रकार जाहिलों के बल के आधार पर उनका नेतृत्व और बड़प्पन कायम रहे। इसके लिए धर्म और ईमान की बुराइयों से काम लेना उन्हें सबसे सुगम मालूम पड़ता है। सुगम है भी। साधारण से साधारण आदमी तक के लिए दिल में यह बात अच्छी तरह बैठी हुई है कि धर्म और ईमान की रक्षा के लिए प्राण दे देना तक भी वाजिब है। बेचारा साधारण आदमी धर्म के तत्वों को क्या जाने, लकीर पीटते रहना ही वह अपना धर्म समझता है। उसकी इसी अवस्था से चालाक लोग इस समय उसका बहुत फायदा उठा रहे हैं। पाश्चात्य देशों में धनी लोग गरीब मजदूरों के परिश्रम का बेजा लाभ उठाते हैं। उसी परिश्रम की बदौलत गरीब मजदूरों की झोपड़ी का मजाक उड़ाती हुई उनकी अट्टालिकाएं आकाश से बात करती है। गरीबों की कमाई से ही वे मोटे पड़ते हैं, और उसी के बल वे सदा इस बात का प्रयत्न करते रहते हैं कि गरीब सदा चूसे जा सके। यह भयंकर अवस्था है। इसी के कारण साम्यवाद, बाल्शेविज्म आदि का जन्म हुआ। हमारे देश में इस समय धनपतियों का इतना जोर नहीं है। यहां धर्म के नाम पर कुछ इने गिने आदमी अपने हीन स्वार्थों की सिद्धि के लिए करोड़ों आदमियों की शक्ति का दुरुपयोग कर रहे हैं। यहां बुद्धि पर पर्दा डालकर पहले ईश्वर और आत्मा का स्थान अपने लिए लेना, और फिर धर्म, ईमान, ईश्वर और आत्मा के नाम पर अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए लोगों को लड़ाना भिड़ाना जारी है। मूर्ख बेचारे धर्म की दुहाइयां देते हैं और दीन दीन चिल्लाते हैं। अपने प्राणों की बाजियां लगाकर थोड़े से अनियंत्रित और धूर्त आदमियों का आसन ऊंचा करते हैं और उनका बल बढ़ाते हैं। धर्म और ईमान के नाम पर किए जाने वाले इस भीषण व्यापार को रोकने के लिए साहस और दृढ़ता के साथ उद्योग होना चाहिए। जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक भारतवर्ष में नित्य प्रति बढ़ते जाने वाले झगड़े कम न होंगे। धर्म की उपासना के मार्ग में कोई भी रुकावट न हो। जिसका मन जिस प्रकार चाहे उसी प्रकार धर्म की भावना को अपने मन में जगावे। धर्म और ईमान मन का सौदा हो, ईश्वर और आत्मा के बीच का संबंध हो, आत्मा को शुद्ध करने और ऊंचे उठाने का साधन हो। वह किसी भी दशा में किसी दूसरे व्यक्ति की स्वाधीनता के छीनने या कुचलने का साधन न बने। आपका मन चाहे उस धर्म का आप पालन करें, दूसरे का मन चाहे उस प्रकार का धर्म वह माने। दो भिन्न धर्मों के मानने वालों के टकरा जाने के लिए कोई भी स्थान न हो। यदि किसी धर्म के मानने वाले कहीं जबरदस्ती टांग अड़ाते हो तो उनका इस प्रकार का कार्य देश की स्वाधीनता के विरुद्ध समझा जाए। 2 घंटे बैठकर पूजा कीजिए और 5 वक्ता नमाज भी अदा कीजिए, परंतु ईश्वर को इस प्रकार की रिश्वत दे चुकने के बाद यदि आप अपने को दिन भर बेईमानी करने और दूसरों को तकलीफ पहुंचाने के लिए आजाद समझते हो तो इस धर्म को अब आगे आने वाला समय कदापि टिकने नहीं देगा। अब तो आपका पूजा पाठ न देखा जाएगा, आपकी भलमनसाहत की कसौटी पर केवल आपका आचरण होगा। सबके कल्याण की दृष्टि से आपको अपने आचरण को सुधारना पड़ेगा, और यदि आप अपने आचरण को नहीं सुधारेंगे तो नमाज और रोजे, पूजा और गायत्री आपको देश के अन्य लोगों की आजादी को रौंदने और देश भर में उत्पातों का कीचड़ उछालने के लिए आजाद न छोड़ सकेगी। ऐसे धार्मिक और दीनदार आदमियों से तो वे लामजहब और नास्तिक आदमी कहीं अच्छे हैं, ऊंचे हैं, जिनका आचरण अच्छा है, जो लोगों के सुख और दुख का ख्याल रखते हैं, जो मूर्खों को किसी स्वार्थ सिद्धि के लिए उकसाना बुरा समझते हैं। ईश्वर इन नास्तिकों और लामजहब लोगों को अधिक प्यार करेगा, और वह अपने पवित्र नाम पर अपवित्र कर्म करने वालों से यही कहेगा कि मुझे मानो या न मानो, तुम्हारे मानने ही से मेरा ईश्वरत्व कायम नहीं रहेगा, दया करके मनुष्यत्व को मान।
पशु बनना छोड़ो और आदमी बनो।